हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जगह दिखाने लेके जा रहा। मैंने आपको बताया था भाई कि पटना में और बिहार में एक से बढ़कर एक जो है वो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं खुल रही हैं, और बिहार अब शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। और इसी कड़ी में हम एक वीडियो बना करके आपको दिखाने लेके जा रहे हैं, और हमारा वीडियो का टाइटल है कि पटना के मीठापुर इलाके में जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला हुआ है। मैं बात कर रहा पटना के मीठापुर बस स्टैंड के पास। मीठापुर बस स्टैंड जो है वो शिफ्ट हो गया है बैरिया में, और अब जो है इस इलाके का नाम है मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया। तो मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है वो यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला हुआ, जिसका नाम है मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी यानी कि मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय बिहार सरकार का विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना जो है बिहार सरकार ने लगभग 1992 ईस्वी में किया था। और इस का नया जो है कैंपस, नया जो है वो इसका बिल्डिंग जो है बनकर के तैयार हो चुका है। यूनिवर्सिटी को बनाने का मकसद जो है साफ था कि सूबे के उच्च शिक्षा देने वाले मदरसों को यूनिवर्सिटी से जोड़कर मदरसा तालीम के स्तर को भी ठीक किया जाए। 1998-99 से यूनिवर्सिटी जो है विधिवत रूप से चलना शुरू हो गई थी, और आज यूनिवर्सिटी को बने हुए और काफ़ी साल हो गए, परंतु इसका अपना कोई एक बिल्डिंग नहीं था, यूनिवर्सिटी का अपना कोई कैंपस नहीं था। तो इसके लिए सरकार ने जो है वो 2-3 एकड़ जमीन पे जो है एक बड़ा सा कैंपस बनाया हुआ है, जो कि मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। ये वही एरिया है जहाँ पर आपको CIMP मतलब चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट, उसके अलावा बगल में आपको निफ्ट पटना का कैंपस दिखाई पड़ेगा, कृषि फार्म है साइड में, और उसके अलावा आपको लॉ कॉलेज है, उसके अलावा आपका जो है वो यहीं पे आर्यभट्ट का भी कैंपस है, मतलब कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है। तो बड़ा ही शानदार यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है, वाइट कलर में आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो के थ्रू आपको दिखाने लेके जा रहा है, वीडियो के थ्रू आप देख पाएंगे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम यूं ही ऐसे ही आपको पटना और बिहार की सारी जानकारी देते रहेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें यूं ही आपका सपोर्ट मिलता रहे, और हम यूं ही ऐसे ही आपके लिए पटना और बिहार के लिए नए नए वीडियो बना करके आपको दिखाते